K Channel News JK. शहजाद कॉर्नर की जानिब से आए पहुंचे उस पर गेंद की सिकंदर को क्या इतनी तारीफ की जाए उतनी कम गेंद जा रही है बॉलिंग के बाहर चार रनों के लिए शहजाद आए पहुंचे उस पर गेंद की सिकंदर को खेलना चाहते थे उठा के गेंद और बल्ले और जो मैच हारेगी वो उसका घर के लिए टिकट कटाएगी तो टिकटें तो कटनी है अब कौन कौन टीम की किस्मत किस ब्रैकन की तरह बड़े आगे बॉल कर रहे हैं आए पहुंचे मिट्टू पर गेंद की अच्छी शॉट कवर में खेला दौड़ करे ग्राउंड पूरा दीपू जी आए पहुंचे मिट्टू पर ये गेंद अच्छी गेंद घुमाना चाहते थे उसे भी अच्छी कर रहे पूरे मैच में जान डाल दिया आए ये गेंद अच्छी गेंद काले से घुमाना चाहते थे बाल बाल बचे जी चलती गेंद दीपू जी आए पहुंचे मिट्टू पर गेंद की इसको क्या खूबसूरत शॉट गेंद का पॉइंट की जानब खेला वहां अच्छी फील्डिंग वहां पे दीपू जी अपनी गेंद लेकर आयाज को ये गेंद अच्छी गेंद सामने की खेला आयाज ने उसको दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया दीपू आए पहुंचे मिट्टू पर गेंद की अच्छी शॉट उसको कट कर लिया थर्मे की जानब दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया रिमरन की जानब से आए पहुंचे मिट्टू पर गालजर ने घुमाना चाहते थे या नहीं विश्व आए पहुंचे मिट्टू पर गेंद की गालजर ने घुमाया अब पहुंचे मिट्टू पर हरिमरन की जानब से गेंद करेंगे गालब को आए पहुंचे मिट्टू पर गेंद की गालब ने खेल दिया गेंद को यह स्ट्रेट जा रही है अच्छी फील्डिंग वहां पे निशा राय पहुंचे मिट्टू पर गेंद की इसको घुमाया गेंद सीधा खेल सीधा गया दोनों टीमों ने क्या खूबसूरत खेला एक गेंद है इस बिनिश में ये गेंद खेलना चाहते थे नेक्स्ट टाइम ए तो सारे भी बिल्कुल सा मेरा उतना सा जो है इस मैच जो है खेला जा रहा है जो सेमीफाइनल है पहला सेमीफाइनल है जो स्मैशर और रायल के दरमियान खेला जा रहा है इसके बाद जो है पुंछ थंडर और पुंछ वारिस के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और कल इंशाल्लाह सुबह 10 बजे जो है इस टूर्नामेंट का जो है फाइनल खेला जाएगा मैं तमाम उन लोगों का दिल की उम्मीद ग्रहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर तरीके की सपोर्ट दी चाहे वो पुंछ का मीडिया फैटिलिटी हो पुलिस डिपार्टमेंट हो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो डीसी साहब पूरा स्टाफ या पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग स्पोर्ट्स काउंसिल के या रेबरी खेल एसोसिएशन के या वो ऑनर वो कैप्टन वो प्लेयर जिन्होंने इसमें हमें सपोर्ट किया और हमारी ये कोशिश थी कि यहाँ पर जो है आईपीएल लेवल का टूर्नामेंट करवाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उनके तमाम लोगों के कोऑपरेशन की वजह से आज तक बड़े अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट हुआ है कल इसका फाइनल होने जा रहा है और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल जरूर तशरीफ लाएं इस फाइनल को देखने के लिए
क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है और जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री में पहली मर्तबा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो भी एक्सट्रीम बॉर्डर पर, डिस्ट्रिक्ट पर, पूंछ में हो रहा है। और इसके पीछे जो है हमारी एहसास फाउंडेशन का एक मिशन है कि पूंछ की यूथ को जो है गोल्स की तरफ माइल किया जाए ताकि वो ड्रग्स जैसी लानत से दूर रहे, चाहे गंदी कोई सोसाइटी में ना जाए, नेशनल एक्टिविटीज में ना जाए, यहाँ पर आए। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से हम मेहनत कर रहे थे तो आज हमें उसका ये नतीजा मिला कि कल हमारी जो पूंछ की अंडर 19 टीम थी रेंज लेवल पर जो है जिसने जम्मू को फाइनल हराया, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें जम्मू की टीम में जेकेसीए के 7-8 प्लेयर खेले थे। तो ये मेहनत जो है मुझे लगता है कि जाया नहीं होती, ऊपर वाला भी इसमें कर्म करता है। सिर्फ ये है आप के पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजने से ज़रूरी है कि पढ़ाई के बाद उनको ग्राउंड भेजें। और मेरी आपके मीडिया के चैनल से तमाम लोगों को फाइनल के लिए ओपन इन्विटेशन है, आप तमाम लोग जो है कल फाइनल देखिए। पूंछ इसमें कोई शक नहीं है, हर आदमी जानता है कि टैलेंट उससे बड़ा है, लेकिन इस टैलेंट को सामने लाया जाए, सामने कौन लेके आए, ये बहुत बड़ा कदम होता है। पूंछ में एहसास फाउंडेशन के बैनर तले हमारे एहसास फाउंडेशन के चेयरमैन परवेज मलिक आफरीदी की कोशिश रही, ये कोशिश थी उनकी, उन्होंने पहल की थी कि आईपीएल के तर्ज पर पूंछ प्रीमियर लीग पीपीएल के नाम से टूर्नामेंट शुरू किया जाए। आज ही टूर्नामेंट अपने इख्तामी लम्हात में एंटर हो चुका है, इसका पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ खेला जा रहा है, दूसरा सेमीफाइनल भी आज खेला जा रहा है। तो इस पर हम जहाँ एहसास फाउंडेशन के चेयरमैन आफरीदी परवेज आफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं इनके कि हमारे पूंछ को, पूंछ के फ्यूचर को, पूंछ के यूथ को उन्होंने वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से वो बुराइयों, बैड इवल्स जो इस वक्त सोशल इवल्स बढ़ते जा रहे हैं उनसे दूर करके नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ ला रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किए चैनल। चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।